हेलो, नमस्ते, राधे राधे। और बच्चों कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाई हूँ। उसमें मैं आपको स्मॉल लेटर लिखना सिखाऊंगी, ABCD स्मॉल। तो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके लिए स्मॉल ABCD। स्मॉल A, small B, small C, small D। ये भी बच्चों, इसे कुछ अल्फाबेट होते हैं जो ब्लू लाइन के बीच में बनते हैं और कुछ अल्फाबेट होते हैं जो पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक बनते हैं। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ अल्फाबेट। अब E, कर देन सर्कल। F, स्टैंडिंग लाइन, देन कर, देन स्लीपिंग लाइन। G, सर्कल, देन कर। और आपको ये ध्यान रखना है, देखो G कहाँ से बन रहा है? ब्लू लाइन से पिंक लाइन तक। आपको ये ध्यान रखना है, H पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक, देन डाउन कर। आई देखो, देन डॉट। आई कैसा बना? पिंक लाइन नहीं, ब्लू लाइन के बीच में। आई जे, जे भी आपका ब्लू लाइन से पिंक लाइन तक। देन के कैसे बनता है बच्चों? के का ध्यान रखना, के पिंक से ब्लू, बट जो ब्लू लाइन है दोनों, इस ब्लू लाइन से देन स्टार्ट, देन इस ब्लू लाइन के बीच में उसकी स्लाइटिंग लाइन होती है, वो ब्लू लाइन के बीच में होती है। देन L बहुत सिंपल है, स्टैंडिंग लाइन बनाना है आपको और आपका L बन जाएगा। L फॉर लायन। ओके, ध्यान रखना बच्चों से, A B C D E F G H I J K L M। देखो M भी ब्लू लाइन के बीच में आया है। M N O P। देखो बच्चों, अब ये ट्रिक बता दिया P का। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, P और Q वही लाइन से बनते हैं, बट आपको इसके कर्व का ध्यान रखना है। इसका कर्व इधर आएगा और Q का कर्व इधर आएगा। बहुत सिंपल है। Q R, देखो बच्चों, R R बहुत सिंपल है। R S, देखो ये भी ब्लू लाइन के बीच में आ रहे हैं बच्चों। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, कुछ कुछ अल्फाबेट है जो ब्लू लाइन के बीच में आते हैं। S T राइट, सिंपल। देखो बच्चों, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ब्लू लाइन के बीच में अल्फाबेट आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप ना ये ध्यान रख पाओगे, आपके अच्छे से ध्यान रख पाओगे तो आप इजीली समझ पाओगे और लिख पाओगे। देखो बच्चों, ए जेट। ये बच्चों देखो, ये आता है ब्लू लाइन के बीच में और बाकी अल्फाबेट आपको पता है, ये आप जानते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, एंड डी फॉर डॉग, ई फॉर
फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रास एंड एच फॉर हैट, आई फॉर आइसक्रीम जो बच्चों को बहुत पसंद होती है, जी फॉर जग एंड की फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, when, W for watch and X for Christmas tree, Y for yak and Z for zebra. तो बच्चों आज क्या सीखा आपने? Small A to Z. क्या सीखा आपने?